अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोग जश्न मिलाद क्यों मनाते हैं? अफसोस इस बात का है, लोग मुझसे नहीं पूछते, लोग मौलाना साहब से नहीं पूछते, लोग हजरत साहब से नहीं पूछते, पान डब्बे पे पूछते हैं। ताज्जुब इस बात पे है, अरे मसला कुरान का है, पान डब्बे वाला जवाब कैसा दे सकता है? क्या भाई, ऑटो चलाने वाले से सवाल हो रहा है, जश्न मीलाद में लाइट क्यों लगती है, जलूस क्यों निकलता है, जलसे क्यों होते हैं, शिरनी क्यों बढ़ती है, खाना क्यों पकाते हैं? हमसे पूछो। अरे जिनसे पूछना है उनसे पूछ भाई, ओ मुंबई वाले भाई। अरे इधर उधर क्यों पूछता है बेचारे भोले भाले मुसलमान को जिसको कुछ नहीं मालूम है? एक ऑटो वाले को एक साहब ने ऐसे ही पूछ दिया, मीलाद में जलूस क्यों निकालते, फातिहा क्यों करते, सलाम क्यों पढ़ते? वो ऑटो वाला ऑटो रोक के खूब हंसने लगा, खूब हंसने लगा। ये बड़ी दाढ़ी वाले चाचा परेशान हो गए, बोले मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया, जोक पूछा जो तू इतना हंस रहा है? बोले मौलाना ये किसी जोक से कम है क्या? पूछे क्या आपने अभी पूछा कि फातिहा कहा है, सलाम कहा है, मिलाद का जलूस कहा है, कुरान में कहा है, हदीस में कहा, भी आपने पूछा, ये किसी जोक से कम है? बोले इसमें जोक क्या है? तो बोले मौलाना अगर मुझे उतना मालूम रहता तो ऑटो कहीं को चलाता, किसी मस्जिद का खतीब बन जाता था। उतना मुझे मालूम रहता तो मैं ऑटो ड्राइवर कहीं को बनता था भाई। बोलो ना जी भाई। नहीं भाई, उसको मालूम रहे तो नहीं इमाम साहब बनता था, मुल साहब बनता था, हजरत बनता था, ऑटो ड्राइवर कहीं को बनता था। नहीं मालूम है बल्कि बेचारा ऑटो चला रहा। बात समझ में आई? तो बहरहाल पूछा गया कि मीलाद क्यों मनाते हैं? सुनो दोस्तों, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है इसलिए मीलाद मनाते हैं। नबी को भेजकर अल्लाह ने एहसान कर दिया है इसलिए हम मीलाद मनाते हैं। क्यों मीलाद मनाते हैं? क्योंकि अमेना के जो लाल दुनिया में क्या तशरीफ ला लिए हैं, हम खुदाओं को छोड़कर, बुतों को छोड़कर, इनको उनको छोड़कर एक खुदा के मानने वाले हो गए हैं। हम किसी और के सामने सजदा नहीं टिका रहे हैं, ये नबी की आमद का सदका है। हम खुदा के सामने सर टिका रहे हैं, हम किसी और को अपना खुदा नहीं मानते हैं, उस खुदा को अपना खुदा मानते हैं जो वाहदहू भी है, जो ला शरीक भी है, जो अल्लाह है। तो प्यारे दोस्तों सुनो, ये करम है मेरे आका की आमद का कि आज हम किसी और किताब को नहीं, उस किताब को पढ़ते हैं जो सारे किताबों की जान बनकर आई है, जिसका नाम कुरान है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये नबी की आमद का सदका है आज हम मुसलमान कहला रहे हैं। नबी की आमद का सदका है मरने के बाद जन्नत में जाने वाले हैं। नबी की आमद का सदका है कि हमने बुत परस्ती को छोड़ा, खुदा परस्ती को जोड़ा है। इसलिए हम कहते हैं जिसके सदके से इतने इनाम हुए हैं, अब वो खुदा ने एहसान किया तो एहसान के बदले में जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे।